श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की महाकाल राजा की ओंकारेश्वर भगवान की नर्मदे महारानी की गंगा महारानी की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतार यत पदान देवता श्रियनम तनी यचार्यान प्रणवानी मोहम यदुग्रतो जंतुवा सर्वदुखाति वो भवे सुमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभ नंदनम अज्ञान कुमिरागास ज्ञान जयशलाके चक्षुर न मिलीते न तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदय शेष लीलाचरदेशेन लक्ष्मी सहस्रलाम्बिः सर्वमानं कलानिधिः चतुर्भिश्व 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 त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय काशी विश्वनाथ
भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा हरदोई नगर के इस पावन प्रांगण में अग्रवाल धर्मशाला में श्री मुकेश जी अग्रवाल एवं संपूर्ण अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस पुनित पावन कथा का रसपान ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। कहीं परमात्मा की करुणा कृपा और माता पिता का पुण्य कुछ ऐसा है जिसके कारण ये पुनित कथा प्राप्त हुई है माघ के महीने में। स्वयं भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ स्वयं करुणा करने वाला जिसका संपूर्ण जीवन संपूर्ण परिवार जग कल्याण के लिए ही निश्चित है, महाराज देने के बाद में कुछ शो ना किया गया कि मैंने ये इतना इतना दिया। भगवान विष्णु नारायण कुछ प्रदान किए हैं, ब्रह्मा ने कुछ दिया है, पर उसमें पचासों बार गाया है, बताया है कि इतना इतना सुदामा को दिया, इतना तीन लोक का राज्य दिया, पर भूतेश्वर भोलेनाथ ने पृथ्वी के अध्यात्र देव ने महादेव ने जो दिया वो कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब क्या दे दिया। वो कहते हैं ना, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। बोले ना, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। शिव की करुणा कुछ ऐसी होती है कि शंकर कभी देता दिखता नहीं है, शंकर कभी देता नहीं दिखे, शिव करुणा सागर कभी आपको देता हुआ नजर नहीं आएगा, पर इतना दे देता है कि वो कमी नहीं रखता महान, वो इतना प्रदान करता। और याद रखना, शंकर के भगत और नदी का जल ये दोनों स्थान पर पहुंच जाते हैं, दोनों स्थान। नदी कभी अपना नक्शा नहीं बनाती कि मुझे समुद्र तक जाना है तो नक्शा बना के रख लूं कि मैं यहां से निकलूंगी, यहां से पहुंचूंगी और वहां पहुंच जाऊंगी। नदी को कहां जाना है नदी नक्शा नहीं बनाएगी, पर नदी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जो भगत होते हैं, शिव के जो भक्त होते हैं, वो कभी विचार नहीं करते कि मुझे कथा करवाना है तो शिव महापुराण की कथा करवाना है। आदरणीय में तो मुकेश भैया से या पूरे अग्रवाल परिवार यहाँ बैठा हुआ है, आपने सोचा ही नहीं होगा जिंदगी में कि मेरे को शिव महापुराण की कथा करवाना है। कहीं योग भगवान ने बनाया, कहीं माता पिता की कृपा, कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद, कहीं ऐसा बैठ गया कि आपके मन में कहीं शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का भाव आ गया। देखो दीदी बोल रही थी आपकी, कहे हमने वहां से फोन करा नोएडा से, भैया कथा आ रही है टीवी पर, जरा देखिएगा कथा का। हाँ बैठे हुए हैं, कथा सुनिए जरा। और नरेश भैया के यहां से भाभी जी भी बोल रही थी कि लगा हमारी दीदी सबको फोन लगा के बोल देती कथा आ रही, जरा सुनो महाराज।
कथा का रसपान करिए। ये घर की बहन बेटियां आई, हमारे भगवती महाराज इनको बुआ जी बोल रहे होंगे, बच्चे लोग बुआ जी कहते हैं, पर कई बार मुकेश भैया एक महाराज जी कथा सुना रहे थे भागवत जी की, और भागवत जी में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका का चरित्र कह रहे थे, और उन्होंने होलिका को बड़ा विचित्र कहा महाराज, बहुत शब्दों से संबोधित किया उनको कि होलिका ऐसी थी वैसी थी और ऐसा करा उसने वैसा करा, राक्षस कुल में जन्म ली। पर हमारी शिव महापुराण की कथा में भी नरसिंह अवतार की कथा है, पर शिव महापुराण की कथा में अगर सबसे सुंदर चरित्र किसी का कहा गया तो वो हिरण्यकश्यपु की बहन का चरित्र कहा। महाराज जी भागवत में कह रहे थे कि होलिका ऐसी थी होलिका वैसी थी, परंतु चरित्र पड़े। हम तो आज भी दुनिया के लोगों को कहते हैं कि उनको आज तक नहीं मालूम कि हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम था क्या, कथा तो कहते पर नाम क्या, जिसने प्रहलाद को गोदी में रखा था उसका नाम क्या है। क्या नाम था उसका? होलिका। होलिका नाम नहीं है। होली का मतलब तो क्या हुआ कि मरते मरते राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मरते मरते अच्छा काम कर कर जो भगवान की होली तो मनाई हिंदू धर्म में। होली नाम होली का नहीं है, उसका नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। और डूंडा को ब्रह्मा जी ने एक चादर दी थी, तू इसको ओढ़ कर बैठ जाना, और ओढ़ कर बैठ जाएगी तो तू नहीं जलेगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा चादर ओढ़कर बैठ गई अपने भतीजे को गोदी में लेकर, चारों तरफ से जब अग्नि लग गई तो डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ, इसीलिए इनका नाम है बुआ, क्योंकि ये हमेशा दुआ देती रहती है। ये बद्दुआ नहीं दे, ये कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। और वो महाराज जी कथा में कह रहे थे वो होली का ऐसी थी उसने ऐसा करा, पर शिव महापुराण सुनो पढ़ो और फिर ज्ञात करो कि बुआ का संबोधन क्या होता है। अगर उस दिन हिरण्यकश्यपु की बहन अपने भतीजे को अगर जला देती तो दुनिया में कभी कोई बुआ को नहीं पूछता, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुआ ने एक अच्छा काम किया, प्राण त्यागने से पहले अपने भतीजे को बचा लिया कि मेरा छोटा सा भतीजा इसको बचाया। बुआ के संबोधन को दुनिया नहीं जान पाती। बहन बेटी आती हैं तो भाभियों का मुंह तबेला जैसा हो जाता है। महाराज कई कई घरों में तो चौकीदारी लग जाती है, भाभी जी कई घरों में चौकीदारी लग जाती है, एक बुआ जी आई है जा दादी के कमरे में बैठे रहे। माताएं बच्चों से कहती हैं बहुओं भाभियों जा दादी के कमरे में बैठो, तो इतने में बच्चे कहते हैं मम्मी तू तो हमेशा बोलती थी कि पढ़ने बैठ, पर अब कह रही दादी के कमरे में बैठ, तो ऐसा क्यों बोल रही है? जब तक बुआ हरदोई में रे तब तक तू दादी के कमरे में। क्यों? क्योंकि ना जाने दादी चुपचाप से कोई अंगूठी उठी निकाल कर कोई सामग्री ना निकाल, जब तक तू। अब बच्चा दादी के कमरे में गया तो दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ, जा मम्मी बुला रही तेरे को, नहीं जाऊंगा। अब बच्चे तो बच्चे, नहीं जाऊंगा मैं, तेरी मम्मी को बुलाऊं? बुला लो भले, मम्मी ने किया जब तक बुआ यहां रे तू दादी के कमरे में रे, जब तक तू बुआ रे तक दादी के, नहीं जाऊंगा। महाराज मेरा निवेदन है ए हरदोई की जी जियो भाइयों, मेरा निवेदन है आपसे, जब तक बहन बेटी मायके कब तक आती है? जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, और जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटियां मायके आती हैं, माँ बाप चले जाते हैं बहन बेटियां खुद आना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनकी संपूर्ण दौलत एक बेटी की होती है तो उसका बाप होता है, बेटी की दौलत ही उसका।
बेटी के संपूर्ण दौलत उसका पिता। आ रही हैं बेटियां लेने के लिए नहीं आती, याद रखना, बेटियां देने के लिए आती, वो देने लेना मूल नहीं है उनका, उनका देना मूल है। और भाई भतीजे तो कितना देते हैं, एक साड़ी दे दिया, दो एक सामान दे दिया, पर जब बहनें आती हैं, नंदे आती हैं, तो बहुत कुछ लेकर आती हैं, बहुत कुछ, कोई सहजता नहीं। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, अरे बोलो तो सुनिए सबने, हाँ हरदोई में तो घणी भागवत रामायण हो गए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा जी के गोद में भगवान कृष्ण जब आए, और कन्हैया जब गोद में आए तो यशोदा जी रो रही थी, नैनों में जल भरा हुआ था, यशोदा रो रही। तो यशोदा जी को रोते हुए उनकी ननंद सुनंदा जी ने देख लिया, और सुनंदा जी ने देखकर पूछा, क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या, किस लिए नैनों में जल भरा हुआ है भाभी आपके। भाभी कहती है, जीजी बालक तो मेरे गोद में आ गया, पर बताऊं क्या जीजी की 55 वर्ष की आयु में मेरे घर में संतान हुई है। यशोदा जी 55 साल की थी, नंद बाबा की उम्र 60 साल की थी जब औलाद हुई, दशरथ बाबा की उम्र 60 साल की थी जब राम जी हुए थे, कदर्म ऋषि की उम्र 60 साल की थी जब कपिल देव महाराज हुए थे, आंत्री ऋषि की उम्र 60 साल की थी जब दत्तात्रेय भगवान हुए थे। 60 वर्ष की उम्र में दशरथ जी के घर में राम आए, 60 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के घर में कृष्ण आए, 60 वर्ष की उम्र में कदर्म ऋषि की यहाँ कपिल देव आए, 60 वर्ष की उम्र में अंत ऋषि की यहाँ पर दत्तात्रेय आए। हमारा भी शास्त्र कहता है जब 60 वर्ष की आयु आती है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है कि अब घर जाओ, थोड़ा भगवान का भजन करो, क्योंकि अभी तक तुमने जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, अब थोड़ा सा भगवान का भजन कर इस जीवात्मा के लिए कमाई कर लीजिए। 60 55 वर्ष की, और महाराज मेरे 55 वर्ष की आयु में मेरे स्तनों में दूध नहीं है। यशोदा जी कहती हैं अपनी ननंद से सुनंदा से, मेरे यहां स्तनों में दूध नहीं आ रहा। तो सुनंदा जी कहती, ननंद कहती है, बहुत बेफिक्र रहती ननंद, बहुत किसी को चिंता में नहीं देख सकती, वो अपनी भाभी को चिंता है तो भाभी से कह रही, भाभी काहे की चिंता करना, तुम काहे को टेंशन लेती हो, मैं बैठी तो हूं सब संभाल लूंगी। सबसे ज्यादा विल पावर होता ननंद जब वो मायके जाती है, तब ससुराल में भले हार जाती है पर मायके में उसका विल पावर, उसके भाइयों को देखकर, उसकी भाभियों को देखकर, उसके भतीजों को देखकर, उसके माता पिता को देखकर एक ननंद का विल पावर मजबूत हो जाता है। मैं हूं, तुम क्यों रो रही हो, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, इस बालक को पिलाऊंगी क्या। सुनंदा जी कहती है, काय को चिंता करती हो यशोदा जी, भाभी एक काम करो, वो पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को मार दिया, सारे ब्रज के बच्चे मर गए पूतना के द्वारा। अब ब्रज के बच्चे अगर पूतना के द्वारा मर गए तो उनकी माताओं के बच्चे तो चले गए, पर माँ के स्तनों में तो दूध आ रहा है। एक काम करो, एक एक दिन एक एक जगह पर बच्चे को दूध पीने भेज दो। इसलिए कई लोगों के मन में संशय है कि एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण ना तो ज्यादा पढ़े ना लिखे तो उन्हें गीता कैसे सुना दी, भगवान कृष्ण को चोरी करना किसने सिखाया, भगवान कृष्ण ने झूठी पत्तल कैसे उठा ली, भगवान कृष्ण ने युद्ध कैसे लड़ा, इतनी वीरता कैसे आ गई। तो सीधी सीधी बात है, किसी पंडितायन का दूध पीकर आ गया इसलिए गीता सुना दी, किसी छत्राणी के घर का दूध पियाया इसलिए युद्ध लड़ लिया, और किसी सुदराणी के घर का दूध पियाया इसलिए झूठी पत्तल उठा ली, और किसी खिलौने वाले के यहाँ गया होगा उसके घर का दूध पिया है इसलिए बंसी बजाना सीख गया। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा, जैसा स्तन पान किया है उसके अनुकूल मेरा ठाकुर भाव उसका वही।
महाराज दशरथ जी के द्वारा खुद का सगा भांजा मर गया था। किसके हाथ से? जम के बोलिए, दशरथ जी के हाथ से। आपने कथा सुनी होगी, 18 तरह की रामायण होती है। उस 18 तरह की रामायण में, 18 तरह की रामायण होती है, 52 तरह की भागवत होती है, 12 तरह की शिव पुराण है, 9 तरह की अग्नि पुराण है, 7 तरह की गीता है। अगर आपने रामचरितमानस सुनी होगी तो शिव रामचरितमानस का संवाद कहता है, माता सीता विवाह कर अयोध्या में आ गए, पर माता सीता ने अयोध्या में 8 दिन तक भोजन नहीं करा, ना पानी पिया अयोध्या। सीता जी ने ना तो अयोध्या का पानी पिया ना भोजन किया। तब माता कौशल्या जी ने जाकर पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी नहीं पीती, भोजन नहीं करती, आखिर बात किया? सीता जी कुछ नहीं बोली, मुख से आवाज नहीं निकला मां की। तब माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा, बहू ऐसी कौन सी बात है जो तुम अयोध्या का पानी नहीं पी रही हो, भोजन नहीं कर रही हो, हुआ क्या तुम? नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं। नौ रात्रि निकल गई। तब माता केकई ने जाकर पूछा, बहुरानी तू अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती, हुआ क्या है? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते हैं, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है, और मेरा ससुरा अपने भांजे का हत्यारा है। पूरी अग्नि में, अग्नि की तरह बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में भी शब्द पहुंच गया। केकई ने अपने कानों को हाथों से बंद कर लिया, बहु वाणी को विराम दे, कैसे शब्द बोल रही है? जिस ससुर ने तेरे कभी चीटी नहीं मारी और तू करी भांजे की हत्या कर दी। और ये बात जब दशरथ जी के पास पहुंची तब दशरथ जी को ज्ञान हुआ कि मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, सही बोल रही है। कि जा पहुंचा सरयू तीर, भरन को नीर विपति का मारा, जल भरने गया बेचारा, और श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने दशरथ जी को देखकर कहा था कि मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पाँव पड़ी जनजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था दशरथ जी को देखकर, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना। तो दशरथ जी ने पूछा, तू ये बता कि मैं तेरा मामा कैसे? हर कोई को कोई मामा नहीं कह सकता, कोई संबोधन में कुछ तो बात होगी। मैं तेरा मामा कैसे? तो श्रवण कुमार कहते हैं, मामा जी मैं मेरी माँ से रोज पूछता था, मेरी माँ से, कि माँ मेरे मामा कैसे लगते? मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है, बस वही तेरे मामा। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के हो, इससे पहचान होती है ब्रांड की। बिंदी लगाई देवी जी वाला है, त्रिपुंड लगाया शंकर जी वाला है, यूमार का तिलक लगाया कृष्ण वाला है, तीन दो सफेद और एक लाल लगाया ये राम वाला है, भभूति का तिलक लगाया ये साईं वाला है, पहचान में आ जाता है ये कौन सी कंपनी का माल है। इसलिए शास्त्र कहता है दो चीजें कंपनी की हैं, एक माथे का तिलक, एक गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला। मृत्यु का ठिकाना नहीं होता, कब मरना पड़ जाए, कब प्राण छूट जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अगर मृत्यु के समय पर तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर कंपनी की दो चीजें अगर आपके माथे पर तिलक हो और गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला है तो यम के दूत बंदी बनाने के लिए आएंगे, तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो शंकर की कंपनी का माल है, इसलिए कंपनी का माल वापस कंपनी में जाएगा। त्रिपुंड देख करते तुरंत त्रिपुंड, मस्तक पर तिलक हो, और कभी कभी बोतल के ऊपर का लेवल मिट जाता है तो नीचे एक सील लगी रहती है, वो सील है गले की तुलसी और रुद्राक्ष की माला, बहुत काम की। दशरथ जी को देखकर कह दिया, आपके
गले में आपके मस्तक पर जो सूर्यवंश का तिलक है, मेरी माँ कहती है आप मेरे मामा हो। हर हर महा, आप मेरे मामा हो। श्रवण कुमार ने जैसे ही कहा, जल का पात्र लेकर दशरथ जी गए। जाकर दशरथ जी ने जब देखा तो दशरथ जी की आंख में आंसू भर गए कि मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया, क्योंकि सामने जो बैठी थी वो दशरथ जी की बहन सुहांगी थी। दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था सुहांगी, राम जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था शांता, भगवान कृष्ण की एक ही बहन थी जिसका नाम था एकानंगा। यहां मेरी बहन बैठी है। और दशरथ जी ने देखते से कहा, जीजी कुछ बोलते। दशरथ जी के नयन के अश्रु पांव पर गिर गए। दशरथ जी के आंसू गिरते से बहन ने कह दिया, भैया आपका भांजा जल लेने के लिए गया है, अभी आता होगा, आप ध्यान देना, अभी आता होगा, आपका भांजा जल लेने गया है, अभी आ रहा हूं। दशरथ जी ने सारा चरित्र कह दिया। दशरथ जी का चरित्र सुनकर बहन तो कुछ नहीं बोली, पर शांति मुनि, दशरथ जी के जीजा, सुहांगी के पति, शांति मुनि ने श्राप दे दिया कि मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तुझे भी त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी को आज वो चरित्र याद है कि मेरी बहू झूठ नहीं करेगी, मेरे हाथों से भांजा मरा है। विश्वामित्र जी को बुलाकर पूछा, भांजे की हत्या का दोष मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। तो सीता जी से पूछा, करा दें ऐसा? सीता जी ने कहा, मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया, कई बहुएं जो होती हैं वो मायके के मेथड से चलती हैं, सास कुछ भी बताए उनको मतलब नहीं होता, वो तो अपने मायके में जो सीख के आई ना, मेरी मम्मी ने तिल्ली का लड्डू ऐसे बनाना बताया तो वैसी बनाएगी, मेरी मम्मी ने सीरा ऐसे बनाया वैसी बनाएगी, उसको कितना भी समझाओ कि नहीं सास के ऐसा बना ले, नहीं, उसका मन वही जो उसने सीखा है। और आज के जमाने में तो सिखाना भी भारी पड़ जाता है सब। एक नई नवेली बहू आई, सास ने कहा, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? मम्मी सब कुछ आता मेरा, सब कुछ, हाँ सब बना लेती है, हाँ। तो एक काम कर बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, बना ले। बहू गई अंदर, दूध मंगवाया, एक किताब थी रेसिपी बुक, 2 लीटर दूध को अग्नि पे धीरे धीरे तपाओ, हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिलाओ, शक्कर डालो, हिलाओ, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। उसने रख दो, 2 घंटे के बाद सास फ्रिज में पानी पीने के लिए गई, 2 घंटे। और सास जब फ्रिज में पानी पीने के लिए गई तो फ्रिज खोला तो खोलते से सास चिल्लाई, बहू, ओ बहू। बहू दौड़ कर आई, हाँ मम्मी, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने भी माथा ठोक लिया, अरे वो जो तूने घोल बनाया था वो 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रख लिया, बढ़िया। अब जो सीखा वो बता रहे महाराज। सीता जी करी, मेरे पिताजी ने कहा है कि जिसके यहां भांजे की हत्या हुई है उसके घर का पानी नहीं पीना, तो 1000 ब्राह्मण का भोजन तो करा रहे, नहीं नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको घर में बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। तो अयोध्या में ऐसा ब्राह्मण ढूंढा जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ब्राह्मण नहीं मिला। जनकपुरी में ढूंढा, जनक जी आपके यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो बताओ। जनक जी ने कहा, महाराज हमारे यहाँ भी कोई ब्राह्मण नहीं, अपने हरदोई में हो तो बता दो, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो। तब कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तब जनक जी ने पत्र लिखा, महाराज पूरी पृथ्वी पर एक ब्राह्मण है जिसने ना कभी किसी के घर में खाया है ना पानी पिया है, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्या नाम है उसका? रावण। उसने ना कभी किसी के घर खाया ना पानी पिया, उसको बुलाइए, आप भोजन कराइए।
दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप हमारे यहां एक समय भोजन के लिए पधारिए। कितने समय? एक समय। इसलिए आजकल शादी की पत्रिका में भी लिख दिया जाता है, सुहानी शाम से ढलती रात तक, उसके बाद मत आइयो, क्योंकि राक्षसों को जिमाना एक टाइम भी भारी पड़ जाता है। ये रावण के निमंत्रण से चालू हुआ है। एक समय भोजन के लिए पधारो। पत्र गया तो मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी को ने रावण की, अरे बोलो जमके है पत्नी। कौन सी रामायण में लिखा है कि मंदोदरी रावण की पत्नी है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, ऐसी थोड़ा सा मन है पूछने का। 18 रामायण में से कौन सी रामायण में लिखा है कि मंदोदरी रावण की पत्नी है? क्योंकि किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा कि मंदोदरी रावण की पत्नी है। हर रामायण में एक ही बात लिखी है कि मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी है। कौन सी पत्नी है? फिर वही बात आ गई, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। और मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी। वेदव्यास जी ने कुंती के आगे धर्म पत्नी लिखा, और धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, क्या नाम है उसका, गांधारी, उसके आगे धर्म नहीं लिखा, उसके आगे केवल पत्नी लिखा। क्यों? क्योंकि एक धर्म पत्नी का लक्षण होता है कि पति आंख से नहीं देख सकता तो तू आंख से देखकर उसको समझा, पति सुन नहीं सकता, पत्नी अपनी कानों से सुनकर उसको समझा, पति चल नहीं सकता, धर्म पत्नी अपने पांव से चलकर उसको लेकर जाए, पति हाथ से काम नहीं कर सकता, धर्म पत्नी अपने हाथों से काम करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है, धर्म पत्नी का लक्षण। गांधारी केवल पत्नी थी, पति आंख से अंधा था तो उसने भी आंखों पर क्या बांध ली थी, पट्टी। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो, मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा हो और उसको बॉटल चढ़ रही, और पत्नी जाके डॉक्टर साहब से कह दे एक मेरे को भी चढ़ा दे। अगर गांधारी के पदचिन्हों पर कहीं चले लोग भाग तो यही समझे कि उसने आंख पर पट्टी बांध ली, पति अंधा था। नहीं, तुलसी बाबा ने, वाल्मीकि बाबा ने एक ही बात लिखी है कि मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी। और कितना धर्म पत्नी भाया मंदोदरी ने वो देखिए, मंदोदरी ने जो धर्म पत्नी भाया वो देखिए। और मंदोदरी रावण के पास जाकर कहती है, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया। रावण कहता है ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? मंदोदरी कहती है किसी जजमान के यहां भोजन करने जाओ दक्षिणा लेकर। रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को, दशग्रीवा को भोजन कौन कराए? दशग्रीवा को, दशानंद को भोजन कौन कराए? मंदोदरी कहती है ऐसा नहीं है कि कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अयोध्या के राजा दशरथ जी आपको भोजन करने बुला रहे हैं, जाओगे? जाओ आप, ठीक है। रावण मंदोदरी के कहने पर मस्तक के मुकुट को जमीन पर रखकर रावण गए जमीन पर, और दशरथ जी के दरवाजे पर जब रावण पहुंचा, जब दरवाजे पर रावण पहुंचा है दशरथ, जाकर कहिए ब्राह्मण आया है, जाओ। दशरथ जी दौड़ कर आए और आकर दरवाजे पर रावण के चरण को पखारा। किसने पकारा है? दशरथ जी। राम जी छत पे खड़े थे, छत पे खड़े होकर राम जी महाराज ने देखा आज मेरे पिता रावण के चरण को पखार रहे हैं। बेटे ने देखा कि आज पिता चरण को पखार रहे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी रावण के चरण को जरूर पखारूं। और यही सीखने को मिलता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, शाम को गुरु जी आएंगे प्रणाम करना हो, शाम को गुरु जी आए तो प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है प्रणाम करेंगे। और शाम को गुरु जी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर, कि नहीं करना। अरे गुरु जी हैं अपने, प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने दो धर के दिया, गुरु जी को प्रणाम नहीं करना, नहीं करना।
बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने भी दो चार धड़के दिए। इतने में गुरुजी बोले काय को मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने, तो कम से कम तुम दोनों तो करो, तुम दोनों। और जैसे ही माता पिता ने प्रणाम किया, वैसे ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। महाराज बच्चे ने तुरंत साष्टांग दंडवत किया। हम सुधरेंगे, गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। युग बदलेगा, कब बदलोगे? मैं पूछ रहा हूं, मैं तो कब बदलेंगे कब? दो चीजें बहुत जल्दी बदली, पहले घूंघट यहां तक था, एक घूंघट बदल गया, दूसरा मेहंदी बदल गई, यहां थी। अभी मुकेश भैया कुक्षी में कथा करने गए थे, वहां पर एक बच्ची तनु यहां लगा के आ गई। हमने कहा बेटा तनु ये तूने क्या लगाया? तो क्या बोली, टेटुआ है। नहीं, हाँ टेटू है। कितने का लगवाया? गुरुजी 700 रुपए का। हमने कहा तुम भी कुक्षी वाले बड़ा पैसा गलत जगह खर्च करते हो, ये 700 रुपए का किसी गाय को चारा डालती, एक महीना खाती, ये तो अपन खुद लगा लो। तो कि गुरुजी अपना तो हाथ ही नहीं पोछता। हमने कहा कैसे नहीं पोछता, पहले दीवार पे बनाओ ने चिपक जा, क्यों नहीं पोछे? तो पैसा बर्बाद करो। महाराज बदले, दो चीजें बदले, बदला। आज दशरथ जी ने रावण के चरण को धुलाया है, और राम जी ने देख लिया कि मेरे पिता ने धुलाया है तो एक दिन मैं भी धुलाऊंगा। आज रावण के चरण दशरथ जी धुला रहे हैं। जिस समय रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला, तब रावण पूजन कराने आया, तब राम जी ने रावण के चरण पखारे, और रावण ने आशीर्वाद दिया था विजय भव, विजय भव। तो हनुमान जी ने कोनी मार के रावण को के भी दिया था, क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा नहीं हूं, अभी तो मैं एक गुरु की गादी पर बैठा हूं, और गुरु की गादी से जो आशीर्वाद दिया वो अपनी जगह पर युद्ध के मैदान में तो युद्ध लड़ो, वहां तो लड़ो। ये रावण और राम का युद्ध बिल्कुल आज के जमाने का राजनीतिक युद्ध है। भले सामने जब फाइट होती है अलग अलग पार्टी की, तो सामने ऐसे लड़ेंगे ऐसे लड़ेंगे, और बाद में मालूम पड़े सब अलमस्त एक जगह बैठकर खूब रसपान आनंद करेंगे। अलमस्ती बड़ा कठिन, कोई किसी का पांव खींचे, कोई किसी का हाथ खींचे, कोई किसी के कपड़े खींचे, बड़ी आफत। हमसे ज्यादा तो आप लोगों को मालूम होगा महाराज है, बड़ा। अच्छा बड़ी बहुत सोचनीय बात है, एक हाथी जब आता है छोटे गांव में, जब हाथी आता है ना तो लोग कहते हैं हाथी आया है प्रणाम करिए, बुजुर्ग बुजुर्ग भी, बूटे बूटे भी लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज गणपति जी की जय हो। छोटे छोटे बच्चे से कहते गणेश जी हाथ जोड़ो, सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। पूरे गांव के लोग हाथी का सम्मान करते हैं, पर गांव में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं वो दिन भर भौंकते हैं। हाथी हाथी अलमस्त है, पर कुत्ते सब हाथ जोड़ रहे हैं। आज तक मुझको तो समझ में नहीं आया, आपको मालूम हो तो जरूर बताना कि आखिर ये कुत्ता और हाथी की दुश्मनी क्या है। भगवान जाने, वो तो कुत्ता हिंदी नहीं जानता, अगर हिंदी जानता तो मैं उससे पूछता जरूर कि भाई कुत्ता तू बता तेरी हाथी से तकलीफ क्या है। पर अगर कुत्ता हिंदी बोलता तो ये बोलता मुझे हाथी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनसे है जो हाथ जोड़कर इसका सम्मान कर रहे हैं। दिक्कत कि इसको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है और मुझे क्यों नहीं मिल रही। बस
हाथी से तकलीफ नहीं है, इसकी पूंछ क्यों हो रही है, इसकी परख क्यों हो रही है, इसका सम्मान क्यों हो रहा है। और दुनिया में जिसका सम्मान होता है, कुत्ते उसी के पीछे पड़ते हैं सर, उसी के पीछे भोगते हैं, बस वही पीछे पकड़ लेते, बस वहां कि इसका सम्मान कैसे हो, इसका आदर कैसे हो, इसका सत्कार कैसे। पर हाथी हाथी है, उसे कुत्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भोगता। अच्छा, कुत्तों की एक आदत भी रहती है, वो आगे नहीं भोगते, हाथी के हमेशा पीछे ही भोगते, आगे भोगे तो बात दूसरी। फिर हाथी निपट भी ले, एक धर दे नहीं धर के, बापड़ा एक ही पांव धर दे, कुत्ता चित्ता तो वो सामने तो आए नहीं ना पीछे। तो हाथी तो अपनी मस्ती में रहे, भोगे तो भोग, अपने को तो आनंद लेना, अलमस्त चलना, हाथी अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चले जाता है और कुत्ता भोगता चले। हाथी जाए बाजार न कुत्ता भोगे हजार, अलमस्त रहता। और जो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवत जीव जो होता है, भक्ति में रमने वाला होता है, उसे ना तो प्रतिष्ठा से मतलब होता है, ना भोगने वालों से मतलब होता है, वो अपनी मस्ती में जीता है और अपनी मस्ती में चलता चले जाता है। उसको तो भजन करना है, उसको तो स्मरण करना है, उसको तो सत्संग करना है, उसको तो नाम जाप करना है। रावण गया और रावण जब पहुंचा, अंदर भोजन करने बैठा, दशरथ जी ने पूछा, बोलो ब्राह्मण देवता, भोजन क्या बनवाया जाए, भोजन ब्राह्मण की रुचि का हो, आप क्या पाएंगे। रावण ने कहा, भोजन जब करूंगा जब सीता अपने हाथों से बनाएगी, क्योंकि उसी के चक्कर में भोजन करने आया हूं, क्योंकि आप वो भोजन नहीं कर रही तो आपने बुलाया, उससे बोलो भोजन बना। सीता जी से कहा, तुम भोजन बनाओ। सीता जी बोली, बेटी पहली बार भोजन बनाती है तो अपने पापा को खिलाती है, अपने बाप को खिलाती है, और बेटी जब शादी होकर जाती है, पहली बार भोजन बनाती है, या तो ससुर को खिलाती है या अपने पति को खिलाती है, ना तो ये मेरा बाप लगता है ना मेरा ये ससुर लगता है, भोजन तो नहीं बनाऊंगी। सीता भी जिद्दी थी, नहीं बनाएगी। विश्वामित्र जी ने समझाया, बेटा हमारे घर में अगर कोई भोजन बनता है तो पहली बार बहू अगर भोजन बनाती है तो अपने पूर्वजों के लिए खिलाती है, इसलिए भोजन बनाओ। सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन करा, दशरथ जी ने पूछा, बोला ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं। रावण कहता है, जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी, उसको बुलाया जाए। सीता जी को बुलाया, सीता जी ने बोला, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं। इतने में रावण ने सीता को देखा तो सीता रावण को देखकर पहचान गई, ये वही लंकाधिपति है जिसने मेरे धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया है। सीता जी कहती है, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं आपको। रावण कहता है, सीता दो दक्षिणा में मांगूंगा, दे दोगी। सीता जी कहती है, हाँ मांगो तो सरी, आपको चाहिए क्या। रावण कहता है, सीता दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए, जम के बोलो, मुक्ति नहीं, हाँ वही मुक्ति चाहिए, नहीं तो तुम्हें प्रसाद की मुक्ति दिख रही हो। दक्षिणा में हमारी मुक्ति चाहिए महाराज, मुक्ति। सीता जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे यहां जीने आते जनकपुरी में, जो मांगते दे देती। सीता भी चतुर है, सीता जी बोली, परंतु मेरी शादी हो गई है, मैं पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि सीता को मालूम है मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है, वो दे, पूछ के आती हूं। सीता जी राम जी के पास गई, रावण को दक्षिणा में मुक्ति चाहिए, ब्राह्मण को। राम जी बोले, दे दे। सीता जी बोली, वाह प्रभु, आप कह रहे हो कि रावण को मुक्ति दे रहे दक्षिणा में, हाँ। सीता कहती है, स्वामी आपको मालूम है रावण को मुक्ति कब मिलेगी, जब लंका में भक्ति पहुंचेगी। राम जी कहते, सीता मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा, तू दे दे रावण को मुक्ति। सीता जी कहती है, प्रभु आपने तो कह दिया कि लंका में भक्ति भेज दोगे, पर आप ये नहीं जानते आपकी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक लंका में सीता नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी बोले, सीता शंकर के भगत का उद्धार करने के लिए मैं तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, रावण को मुक्ति मिल गई, मुक्ति, क्योंकि भक्ति जब हृदय में होती है तो मुक्ति सहज हो जाती है, भक्ति जब हृदय में पहुंचती है तो आप रूप मुक्ति का साधन निश्चित कर लेते, भक्ति पहचान करना कठिन है।
सहज नहीं। बस इतना जरूर है कि रावण ने अपनी जिंदगी में अपने कुल में कुछ ऐसा संस्कार नहीं दे पाया जिसके कारण रावण का कुल श्रेष्ठतम होता। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को संवारने के लिए संस्कारों की जरूरत पड़ती है, फसल को संवारने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप संस्कार अगर दे रहे हैं, बच्चों को श्रेष्ठतम संस्कार प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को झुकना सिखा रहे हैं, बच्चों को आदर करना सिखा रहे हैं, तो बच्चों में उसका क्रम आएगा, जरूर आएगा। महाराज पहले के जमाने में लड़कियां सोचती थी सास कैसी मिलेगी। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पहले के जमाने में लड़कियां सोचती थी सास कैसी मिलेगी, आज के जमाने में सासों को सोचना पड़ता है चंद्र घंटा कैसी आएगी। आज के जमाने में सास सोचती है, पहले नहीं सोचती थी सासों। क्यों? क्योंकि सासों के दो दो चार चार लड़के होते थे, अगर एक बहू बेकार आ गई तो दूसरी अच्छी आएगी, दूसरी बेकार आई तीसरी आएगी। आज के जमाने में लिए दिए एक, तो सासों को आधी चिंता, तो रात की नींद नहीं आए बिचारियों को कि कैसे आएगी, और बहू अच्छी आ जाए तो जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं तो वो बात है ना, याद करो पहले बच्चों को डराते थे, छोटे छोटे बच्चों को, कि बहू आया, बच्चा डर जाता था। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कह दो बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जाए, कहां से आ गई, अभी तो गई थी, अभी गई। बड़ा ध्यान रखना। एक नई नवेली बहू आई, सास ने कहा जा बेटा वो दही रखा बिलो ले, और वो दही बिलोने के लिए बैठी। अब दही बिलोने बैठी तो मक्खन आ गया, अब दही बिलोते बिलोते उसमें मक्खन आ जाता है, चिल्ला के दौड़ी, मम्मी सासू जी सासू जी। मम्मी दौड़ के आई, हाँ बेटा क्या बात है, सासू जी मक्खन आ गया। सास ने आके एक थप्पड़ दिया, कलकी आई और ससुर का नाम ले दिया। आज के बाद कभी ससुर का नाम तेरे मुंह से लिया सोच लेना। पापा जी बोलती, बेचारी को क्या मालूम था कि ससुर का नाम मक्खन, काहे को बोलती वो। 6 महीने के बाद फिर दही बिलोने बैठी, सास ने कहा दही बिलोने, फिर बैठी, फिर आ गया मक्खन। अब मक्खन आया तो फिर चिल्लाई, सासू जी सासू जी। सासू जी दौड़ के आई, हाँ क्या बात है, ससुर जी हंडी में आ गए, ससुर हंडी। अब बोल सकती नहीं कि मक्खन आया, तो ससुर आया हंडी में पड़ा, निकाल लीजिए। बोले महाराज कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान विश्वनाथ का चरित्र कर रहा है। आपका समर्पण शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन, शिव चरणारविंद का सुख, शंकर के चरणारविंद का स्तमन जीवन को सुख प्रदान करने। महाराज कोई परिवार, शिव के परिवार में कोई ऐसी एक जगह नहीं जो कुछ देने में सक्षम ना हो, सब कुछ दे, सहज है, सरल है। कथा कह रही है, कलकत्ता में अपन ने श्रवण करा था शंकर और पार्वती के मंगल विवाह को। शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, यह विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। किसका मिलन है? विश्वास और श्रद्धा। विश्वास सबसे प्रखर। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने में अग्नि को तपाकर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा है। दोनों पिट रहे हैं, दोनों तप रहे हैं, दोनों कुटा रहे हैं, पर सोने ने मन में सोचा कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, लोहे को भी अग्नि में तपाया गया, मुझे भी कूटा गया, लोहे को भी कूटा गया, पर यह समझ में नहीं आता कि मैं कूटने पर आवाज नहीं करता, पर लोहा कूटने पर आवाज क्यों करता है। कभी आप सुनार की दुकान में जाकर देखना, आवाज नहीं आएगी सोने को कूटने की, पर लोहार की दुकान के सामने से भी निकल कर जाओगे तो आवाज आ जाएगी।
विचार आया, आखिर ये लोहा इतना आवाज क्यों करता है। तब लोहे का टुकड़ा उछक कर सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा एक बात समझ में नहीं आती कि मैं भी धातु तू भी धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी अग्नि में तपाया तुझे भी तपाया, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता, तू इतनी आवाज क्यों करता है। तब लोहे ने कहा, भाई सोने बात इतनी सी है कि सोने तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है और मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, बस अंतर इतना है कि अपना जब अपने को चोट देता है तो बद्दुआएं तो निकल ही जाती हैं, आहें तो निकल ही जाती है, आवाज तो निकल ही जाती है, दूसरा चोट देगा तो सहन कर लोगे पर अपना होकर अगर चोट देगा तो सहन नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है। अपना अगर चोट दे बहुत कठिन। रावण इतनी जल्दी टूटता नहीं पर अपनों ने चोट दे दी रावण। कौन ने दी थी? विभीषण। दूसरा गाली देगा ना तो चल जाता है, दूसरा अपशब्द कहे ना तो चल जाता है, पर अपना कोई अपशब्द कह दे, जिससे आशा लगा कर बैठे हो, जिससे इच्छा लगा कर बैठे हो, जिससे आपने इतनी आशाएं जोड़ी हैं और वो अगर कहीं चोट दे तो सहन कैसे सहन। शंकर विश्वास है और विश्वास बहुत प्रखर होना चाहिए, बहुत प्रखर। एक होती है बहू, एक होती है सास, दोनों के मन में विश्वास होता है पर सबसे ज्यादा विश्वास किसके मन में होता है? सास के कि बहू के? बोलो जम के। सास के मन में विश्वास ज्यादा होता है। क्यों विश्वास होता है? सास जिस लड़की को कभी नहीं देखा सास ने, जिस लड़की को कभी पहचानती नहीं है सास, अपने लड़के के लिए पसंद कर कर आई और पहली बार पसंद कर कर आई तो सास ने अपनी रकम निकाल कर बहू के गले में चेन पिना दी कि ये मेरी बहू हो गई। जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी को कभी चवन्नी नहीं दी, वो पराई लड़की को एक सोने की रकम देकर आ जाती पहली मुलाकात, पहली मुलाकात में देकर आ जाती। और शादी होते होते तो सास ने अपनी रकम तुड़वा तुड़वा के ना जाने कितना तोला सोना, कितनी रकम, कितनी साड़ियां, कितने कपड़े सास अपनी बहू को दे देती है, बिना पहचानती पहचानती तक नहीं, जानती तक नहीं, पर अपने लड़के के लिए पसंद करा तो ढेरों दे देती है। कितना विश्वास एक सास के मन में होगा जरा विचार करिए। और एक बहू शादी कर कर आई, कमरे में गई और दूसरी बार जब पहली विदाई में मायके गई, अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डाल के ले गई। ले सास का विश्वास देखो, उसने बिना सोचे समझे सब दे दिया। और बहू का विश्वास देखो कि मायके जाते जाते भी ताला लगाकर चाबी ले गई। अगर चाबी मम्मी को देखकर जाती कि मम्मी ये चाबी पकड़ना, ये आपके पास रखना, तो सास को लगता कि मेरी बहू मुझ पर इतना विश्वास करती है तो सास अपने विश्वास को और उंडेल देती, पर बहू ने विश्वास तोड़ दिया तो सास ने भी विश्वास छोड़ दिया। विश्वास करे, प्रखर विश्वास, और वो विश्वास की मूल का हो। एक विश्वास की क्रमता हमारे जीवन में बनी रहे। सीता जी ने विश्वास को निभाया, माता जानकी जी ने राम कथा को अगर आपने सुना हो तो विश्वास को निभाई है माता जानकी। सीता जी जब विवाह कर कर आई तो घर में पहली बार लड़की अगर विवाह कर कर आती है तो भोजन बनाती है, तो सीता जी ने भोजन बनाया मीठा भोजन, और सीता जी ने ससुर जी के सामने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को परसा। अब जैसे ही लोगों के मन में बड़ा प्रश्न आता है, महाराज बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सीता तो स्वयं पृथ्वी में से प्रगटी थी, सीता तो खुद देवी थी, तो क्या रावण को मार नहीं सकती थी? अरे भाई, सीता तो रावण को ऐसा पछाड़ती कि रावण पानी तक नहीं पीता, ऐसा मार। पर कुछ मर्यादा होती है और सीता की वही मर्यादा थी, इसलिए सीता ने रावण को कुछ नहीं कहा, क्योंकि भोजन करते समय दशरथ जी के कटोरे में कचरा उड़कर चले गया। सीता जी ने देख लिया मेरे ससुर के कटोरे में कचरा, ससुर क्या सोचेंगे कि बहू ने भोजन दिया तो उसमें कचरा परोस के दिया, और पहला भोजन पहली बार लाई है मीठा खीर का भोजन और उसमें कचरा,
सीता जी रसोई घर में गई, रसोई घर में से सीता जी ने टकटकी लगाकर कचरे को देखा और इतना ध्यान लगाकर कचरे को देखा सीता जी ने कि कचरा वहीं पर जल के राख हो गया। दशरथ जी ने देख लिया सीता को कचरे को देखते हो, कचरा जल गया। दशरथ जी ने खीर खाई, सीता के पास में जाकर कहा जानकी बहू सुन तो सरी सीता, मुझे तुझसे कुछ मांगना है। सीता जी बोली ससुर जी आप मुझसे मांग रहे हो, आज पहली बार भोजन खिलाया है तो मुझे आपसे मांगना चाहिए, आप मुझसे मांग रहे हो क्या मांगना है। दशरथ जी कहते हैं सीता पहले राम की सौगंध खा के तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी ने कहा प्रभु पिताजी मैं सौगंध खाकर कहती हूँ आप मांगिए आपको क्या चाहिए। दशरथ जी कहते हैं बहुरानी जैसे आज तूने उस कचरे को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना, इतना वचन दे दे। सीता जी ने वचन दे दिया, इसलिए रावण जब जब आता था सीता जी एक तिनके को उठाकर हाथ में रख लेती थी कि बेटा इसी के चक्कर में बचा, क्योंकि ससुर को वचन दिया कि जैसा तूने तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को मत देखना, इसलिए जब जब रावण आता था तब तब सीता तिनका हाथ में रखती थी कि इसके चक्कर में बच लिया है, जिस दिन घूर के देख लिया ना बेटा उस दिन निपट जाएगा, तो तुम्हें देख नहीं। वचन जो दिया है विश्वास की पूर्णता में, जो वचन दिया गया है उस विश्वास की पूर्णता को निभाया गया है, विश्वास की और भरोसा हो शंकर और पार्वती, विश्वास और श्रद्धा इन दोनों का मिलन है, विश्वास और श्रद्धा का मिलन। किनके घर में माता पार्वती का जन्म हुआ कोई सहज नहीं है, माता पार्वती की मां मीनावती सहज नहीं। चार नवरात्रे होते हैं बहनों, कितने नवरात्रे होते हैं? चार। श्राद्ध भी चार होते हैं, चार नवरात्रे चार श्राद्ध। पितृलोक में जहां पितर निवास करते हैं उस पितृलोक के भी चार दरवाजे होते हैं, चार दरवाजे। श्राद्ध कितने दिन के होते हैं? 16 दिन। 16 दिन के क्यों होते हैं? क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि राजा कर्ण जब प्राणों को त्यागा तब भगवान ने उस पर कृपा करी थी, राजा कर्ण मरते से भगवान कृष्ण ने देखा इस कर्ण ने पूरी जिंदगी सोने का दान करा, पूरी जिंदगी सोने ही सोना दान करा, कर्ण ने कभी अन्न का दान नहीं करा, तो भगवान को चिंता लग गई कि ये कर्ण मेरा दर्शन करा ऊपर जाएगा तो इसको अन्न कहां से मिलेगा, करूं क्या मैं कर्ण के लिए। भगवान ने कहा कर्ण के अंतिम प्राण छूट रहे थे, बाण लगा था कर्ण के शरीर में और कर्ण नीचे पड़ा हुआ था, भगवान ने कहा आखिरी मौका है, कर्ण के पास में धान पड़ी हुई है, चावल पड़ा हुआ है, कर्ण उठाकर दान दे दे। इसलिए भगवान खुद भिक्षुक बनकर कर्ण के पास चले गए, राजा कर्ण मुझे कुछ दान दे दीजिए, कर्ण मुझे कुछ दान दे दो। कर्ण ने कहा क्या द्वारकानाथ, मंगने भी आए तो मरते समय आए, क्या दूं तुमको, जीता था जब आते तो दे देता ना जाने कितना, अब आए हो मंगने। भगवान कहने लगे कर्ण कुछ तो दान दे जा मरते मरते, भगवान ने इशारा भी करा तेरे आसपास कुछ पड़ा हो तो वो दे दे, कर्ण के काय को आसपास का पड़ा दे दे। और कर्ण ने कहा द्वारकानाथ जाओ मैं दान करता हूं, मेरी ऊपर की एक सोने की दाढ़ लगी हुई है, उस सोने की दाढ़ को तुम तोड़ के निकाल लो। भगवान ने मन में सोचा बता अभी भी सोना ही दान कर रहा है, मेरी सोने की दाढ़ लगी है निकाल ले। द्वारकाधीश ने कहा हम काय को किसी का दांत तोड़े, मरते हुए का मरने जा रही है और दांत तोड़े, लोग क्या कहेंगे पता, मरने वाला का भी दांत तोड़ दिया। द्वारकानाथ हम नहीं तोड़ते, हमें नहीं चाहिए ऐसा दांत। इतने में तुरंत कर्ण ने कहा तुम रुको, कर्ण ने पत्थर उठाया, भगवान को लगा हाथ उठाया तो धान उठाकर दान करेगा, पत्थर उठाया कर्ण ने और मुंह पर मारा, मारते से सोने का दांत निकाल लिया और निकाल कर देने लगे, लो द्वारकाधीश ये सोने का दांत लो। द्वारकाधीश ने कहा बताओ रक्त में सना हुआ दांत कौन ले गए, ये रक्त में सना हुआ दांत ले कौन, या तो हिंदू धर्म की रीति है कि लोग किसी को सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं तो सोने की सीढ़ी का दान पंडित नहीं लेता, लेता है क्या, कभी भी सोने की सीढ़ी का दान पंडित नहीं लेगा,
स्वर्ण सीढ़ी का दान बहन बेटी लेगी पर ब्राह्मण नहीं लेगा, क्योंकि स्वर्ण सीढ़ी आज के जमाने में तो लोग जीते जी चढ़ाने लगे साहब, परंतु गरुड़ पुराण में लिखा है स्वर्ण सीढ़ी कब चढ़ाई जाती थी, जब कोई मर जाता था और उसके पोतों के हाथों से पर पोतों के हाथों से उसको अर्थी पर पड़े हुए व्यक्ति को सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती थी। आज के जमाने में तो लोग जीते जी सोने की सीढ़ी चढ़ा देते, जीते जी। आप क्या भी होते होंगे स्वर्ण सीढ़ी के कार्यक्रम होते हैं, जीते जी हमारी माता जी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाया जा रहा। और सोने की सीढ़ी भी बन भाई तो इतनी सी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, और वो भी अम्मा के पांव में फंसा रहे, चढ़ जा चढ़ जा, और अम्मा चढ़ रही बस सोने की सीढ़ी। कभी मंदिर की चार सीढ़ी नहीं चढ़ी और डोकरी सोना की सीढ़ी चढ़े, क्या मतलब इसी स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाने से? स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती थी जब व्यक्ति मर जाता था, उसके बाद अर्थी के ऊपर सुलाकर चढ़ाते थे। और दुनिया के लोग तो हर काय का फैशन निकल गया सोने की सीढ़ी का फैशन, एक ने चढ़ाई दूसरे ने देख ली, दूसरे ने चढ़ाई तीसरे ने देख ली, और मालूम पड़े जीते जी अम्मा को निपटा दिया, ले अब सोने की सीढ़ी चढ़ी जा चल। ये स्वर्ण सीढ़ी नहीं है, निवेदन है सोने की सीढ़ी चढ़ाने की अपेक्षा कोई सत्कर्म। शादी की सालगिरह 25वीं मना रहे हो, 50वीं मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, उसकी जगह कोई अच्छा कार्य करिए। जैसे हमारे आदरणीय मुकेश भैया ने करा, आपका 60वां जन्मदिन आप मना रहे हैं और ये शिव महापुराण की कथा कर कर मना रहे हैं, 60वां वर्षगांठ, 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, और 60वें जन्मदिन के उपलक्ष में शिव महापुराण की कथा का, और साथ में एक और योग लगा कि उनके पिताजी का 100वां जयंती महोत्सव। तो उन्होंने कहा आदरणीय स्वर्गीय श्री 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 चंद्र जी, श्री चंद्र जी का 100वां जयंती महोत्सव, ये 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 पुण्यता है, 25वीं शादी की सालगिरह है, मालूम पड़े केक काट रहे, डेंटिंग पेंटिंग करके स्टेज पे खड़े हो गए, कहा मतलब भजन किया, सत्संग किया, संकीर्तन किया, जीवन की लक्ष्य था। भगवान भोलेनाथ को भी आपने अपने साथ में जोड़ा है, जो एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरे अग्रवाल परिवार को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सत्कर्म की ओर अग्रण्य है, धर्म करो सत्कर्म, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में फिर यही छोड़ा, का मतलब का जोड़ा, इस मतलब कुछ अच्छा करो महाराज। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, कभी भगवान का भजन नहीं करा, क्या मतलब सत्कर्म किया। उस परमात्मा को बारंबार साधुवाद धन्यवाद देवो, शंकर को कहते रहो तेरी करुणा है, तेरी कृपा है, इसलिए हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं, तुमने कृपा करी है। समय देखो कितना बलवान है, समय की गणना, ठंड से कुछ सीख लो, काय से ठंड से क्या सीख लो, ठंड से ये सीखने को मिलता है कि अच्छा अच्छा अकड़ने वाला भी सुखड़ जाता है, ठंड सीख देती हमारी जिंदगी में आकर सीख देकर जा रही है कि अभिमत्ता में अकड़ोगे तो एक दिन सुकड़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए अपने जीवन को भगवत भजन की ओर लेकर अलमस्त होकर जियो। और शंकर का जो उपासक होता है ना महाराज, वो बड़ा अलमस्ती होता, बड़ा अलमस्ती,
हमारे पंडित लोग सुबह सुबह अभिषेक कराने जाते हैं ना मुकेश भैया आपके यहाँ, ये बाद में आके बताते हैं, कहे भैया वो मुकेश भैया तो घना हंसा है महाराज जी खूब, न जाने कहाँ कहाँ के बात बोल देते और हम लोग हंसते रहे, कहीं उनकी बुआ जी ना जाने कहाँ कहाँ की बात बोल देती बहन उनकी आगे, कहीं उनकी भाभियाँ बोल, तो महाराज ऐसा अग्रवाल परिवार भी हमने कहने लगे इतनी जगह अभिषेक कराए पर ऐसा परिवार नहीं देखा कि हंस हंस के लोट पोट होके अभिषेक कराए। तो ये प्रभु की कृपा, ये आपके परिवार में अगर भगवान कृपा करा है करुणा करा है तो ये उसकी कृपा है, नहीं तो कई लोगों को हमने अभिषेक में बैठा हुआ देखा मुसद्दी लाल जैसा। हम तो कई बार कथा में लोगों को कहते हैं कि मुंह उतार कर कथा में मत बैठो, कथा में आए हो प्रसन्न चित्त बैठो, क्योंकि किसी के दरवाजे पर जाओ तो प्रसन्न रहना चाहिए, मालूम पड़े किसी के दरवाजे पर जाए और गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह बैठ गए तो जिसके यहां गए वही कह दिया काय को आ गई, इससे तो तेरे घर ही रहती। कथा में भी जाओ तो अलमस्त बैठो प्रसन्न चित्त आनंद में, भगवान को भी लगे कि मेरे दरवाजे पर आया और प्रसन्न होकर आया। जिंदगी में कितना भी दुख हो कितनी भी तकलीफ हो, निवेदन है शंकर की चौखट पर शिव के दरवाजे पर जाना तो प्रसन्न होकर जाना, तो शंकर भी कहेगा इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न आया है, जा ऐसे ही प्रसन्न बने रहे ऐसी खुशियों में रहे। और मालूम पड़े रो रो के जाओगे तो भगवान भी कहेगा आ गई, तो भगवान भी मंदिर छोड़ के भग जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर इसका तो रोने का ही काम, रो तो भगवान भी प्रसन्न रहिए अलमस्त पूरी जिंदगी में आनंद में रहो अलमस्त, अपने जीवन की सार्थकता को प्रेममय बना। प्रेम महाराज माता पार्वती की माता मैनावती पितृलोक के चार दरवाजे हैं, कर्ण की कथा कहती है सोने का दांत कर्ण दे रहा है, भगवान कहते हैं नहीं ये रक्त का सना हुआ नहीं लूंगा, तो कर्ण ने पत्थर उठाकर ऊपर फेंक दिया, राजा कर्ण ने जैसे पत्थर फेंका ऊपर से जल वृष्टि होने लगी, सोने का दांत धुल गया भगवान को दे दिया। भगवान ने मन में सोचा रे राजा कर्ण तुझे मौका मिला था अन्नदान करने का तो नहीं कर पाया, मर कर कर्ण जब ऊपर गया तो सोने की कचौड़ी सोने की रसगुल्ला सोने की इमरती सोने की जलेबी सोने की पूड़ी खाने को मिली तो रो पड़ा मुझे अन्न दो, तो धर्मराज कहते हैं तूने अन्न का दान किया ही नहीं तो मिले कहां से तुझे, अन्न दान करता तो मिलता। आखिरी में रोता हुआ बोला मुझे कुछ मौका दे दो, द्वारकाधीश ने नीचे से इशारा करा देव मौका इसको, तो इसका शव जल जाएगा महाराज अंतिम संस्कार हो गया तो, द्वारकाधीश बोले मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा जब तक ये अन्न का दान नहीं करे। कर्ण की माँ माता कुंती को जाकर कह दिया तेरा बेटा मरा पड़ा जल्दी जा, कुंती गई शव के पास जाकर रोने लगी, 16 रात्रि तक माता कुंती कर्ण के शव के पास रोई है 16 रात्रि तक, और 16 दिन कर्ण नीचे आकर जीव का रूप धारण कर खूब अन्न का दान करा, इतना भोजन कराया कि किसी ब्राह्मण के माथे पर तिलक नहीं लगाया, किसी ब्राह्मण के मस्तक पर, इसलिए आज भी 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाते हैं तो सिर पे तिलक नहीं लगाते, आज भी नियम अगर 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया है तो माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मान लो तुमने दादाजी के निमित्त से चतुर्थी के दिन, कौन से दिन, चतुर्थी की तिथि तुम्हारे दादाजी की समझना, और चतुर्थी के दिन तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया तुम्हारे दादा के निमित्त से, तुम्हें मालूम नहीं है कि चतुर्थी को और भी कोई गया हो सकता है कोई अधोगति में मरा हो कोई कैसे चला गया हो और तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें तो केवल दादाजी की तिथि मालूम है कि चतुर्थी, तो चतुर्थी के दिन जितने भी गए होते हैं आर्यमा स्वामी पितरों के देवता उनको तुम्हारे दरवाजे पर लाकर छोड़ते हैं और तुमने केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराया और दादाजी के निमित्त से जिमाकर तिलक लगाकर भेज दिया, तो बाकी के जो पितर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं वो भूखे की भूखे चले जाते हैं, तो उनको वहां जाकर दूसरे पितरों की राल चाटना पड़ती है, वो राल चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं जिससे घर में पितृ दोष लगता है। तो क्या करना चाहिए, अगर तिलक लगाया तो केवल दादाजी के निमित्त से जीमा,
और अगर तिलक नहीं लगाया तो उस तिथि के दिन जितने भी तुम्हारे दरवाजे पर पितर आए होंगे सबको भाग मिल जाता है और वो सब तर जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में भोजन कराकर ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाया। तिलक लगाएंगे तो एक के जीवने का फल मिलेगा और तिलक नहीं लगाएंगे तो 1000 ब्राह्मण के जीवने का फल श्राद्ध पक्ष में मिलता है। तिलक नहीं दिया महाराज। अब कर्ण ने एक भी ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाया। 16 दिन तक कर्ण की मां माता कुंती रोती रही 16 दिन। तब जाकर माता कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से अंतिम संस्कार करवाया। युधिष्ठिर ने श्राप दिया, मां कोई नारी अपने उदर में बात नहीं छुपाएगी, तुमने अपने भाई के मेरे भाई की हत्या भाई के हाथ करवाई। तब 16 दिन कर्ण के थे इसलिए 16 श्राद्ध माननी हुई महाराज। 16 श्राद्ध 16 दिन अन्न के दान के रहते, खूब दान, खूब पुण्य करो, खूब सत्कर्म। शास्त्र कह रहा है भगवान विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के माता मेना धन्या और कला के पितरों की 3 लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं? 3, मेना धन्या और कला पितृलोक में रहती थी पितरों के साथ में। एक बार सनकादि ऋषि तप कर रहे थे, ये तीनों निकल कर गई तो इनके लहंगे जो थे वो सनकादि ऋषि से टकरा गए। सनकादि ऋषि को 1 बार लगा, 2 बार लगा, 3 बार पांव लग गया। श्राप दे दिया सनकादि ऋषियों ने, तुम पितरों की कन्या होकर तुमने हमारा अपमान करा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें भूमंडल पर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तीनों चरणों में पड़ गई, हमें क्षमा कर दो। तब सनकादि ऋषि ने कहा तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। 3 देवी, ये तीनों मौसी मौसी की लड़कियां, राधा पार्वती और सीता, बहन बहन की लड़की। तीनों मेनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। माता पार्वती जन्मी है आज, और बड़े किस्मत वाले हैं हिमालय राज महाराज, खूब नगाड़े बजवाए हैं, खूब ढोलक पेटियां बजवाई, आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। बजाइए खूब नगाड़े बजाइए, खूब बेटी का जन्म हुआ है आज, ढोलक बजवाई पेटियां बजवाई नगाड़े बजवाए बेटी जन्म। और वो मां माता पार्वती के भाग्य को देवऋषि नारद ने जो बखाना है, मेनावती ने कह दिया मैं बेटी ही नहीं दिया। और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजा में तत्पर हो गई, शिव की पूजा। कि शिव जी बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, देखो कब से माँ गोरा तेरे द्वार पर खड़ी। शिव जी बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, देखो तेरे द्वार गोरा कब से खड़ी। दोनों हाथों से दोनों हाथों से ताली से बजे जय हो।
भोला चंदा में बन जाऊंगी, बंदी दोगे तो भोला चंदा में बन जाऊंगी, चंदा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पर चढ़ जाऊंगी, चंदा में बन जाऊं तेरे मस्तक पर रुक जाऊं, भोला पर चढ़ जाऊंगी, गंगा में बन जाऊं तेरे मस्तक पर चढ़ जाऊं, भोला thank you.
हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, पार्वती मैया ने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की स्तुति करी, शंकर के चरणारविंद का नित्य स्तरण किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करना, घोर तप किया, घोर साधना करी, घोर। एक बात याद रखिए, घर के अंदर कोई भी मूर्ति एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना चाहिए। कितनी? ये जो भाग है अपने हाथ का, एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं है। मारे तो घर में कोई भी मूर्ति आपके हो, पर वो एक अंगुष्ठ से बड़ी ना। और ध्यान दें, चाहे राम जी की हो, ठाकुर जी की हो, कृष्ण की हो, गोपाला की हो, शिव की हो, किसी भी मूर्ति को अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना। इतनी बड़ी आकृति आपके घर में, इतनी बड़ी मूर्ति शोभा दे सकती। जितनी बड़ी मूर्ति हमारे घर में हम बिठा देते हैं, मूर्ति को उतनी ही पूजन की जरूरत और आटोयाम भोजन की जरूरत हो जाती है। कितनी बार भोजन चाहिए उसको? 8 बार। इस आकृति से बड़ी मूर्ति अगर आपके घर में विराजमान है तो उसको 8 बार भोजन का भोग लगाना पड़ेगा, अष्टयाम। और एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी मूर्ति घर में पोली नहीं होना चाहिए। कैसी नहीं हो? पोली। अगर घर में मूर्ति पोली होती है तो घर में कितना भी कमा लो वो दिखेगा ही नहीं। आप जोड़ जोड़ के भले मर जाओ तो घर में पैसा टिकेगा नहीं, अगर घर में कोई मूर्ति पोली है तो। घर के अंदर कोई भी मूर्ति हो वो ठोस हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में अगर कोई मूर्ति पोली है तो तुम उसको घर के बाहर निकाल दो। नहीं, एक काम करिए, अगर मूर्ति पोली है तो उसमें मेन मतलब जो मोम होता है ना, अगर मोमबत्ती का, वो पिघला कर मूर्ति में अगर कहीं छेद हो तो उसमें से उसको भर दीजिए, मूर्ति को पोला कर, मूर्ति को ठोस कर। ठोस मूर्ति अगर घर में होगी तो लक्ष्मी अपने आप टिकेगी, अपने आप। जैसे गणेश जी की 2 सूंड होती है, एक राइट सूंड का गणेश, एक लेफ्ट सूंड का गणेश। कौन कौन सी सूंड का? राइट सूंड और लेफ्ट सूंड। राइट सूंड का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट सूंड का गणेश आपका कोई ऑफिस हो, जहां से आप अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी कोई भी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट सूंड का अगर गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर अगर राइट सूंड का गणेश होगा तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सूंड का गणेश होना चाहिए। और घर में जम के बोलो, राइट सूंड का गणेश, राइट सूंड का गणेश घर में बिठा। महाराज, कोई भी प्रतिमा घर में 2 चल सकती है, पर 2 के बाद में प्रतिमा की अगर ठाकुर जी हैं और 3 हो गए तो घर में नहीं चलेंगे, गणेश जी 3 हो गए तो घर में नहीं चलेंगे। 2 प्रतिमा तक घर में आप पूजन कर सकते हैं, पर 2 से हटकर नहीं। और ध्यान देना, केवल एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं, नर्मदा जी के जल में से निकला हुआ शिवलिंग एक ऐसा होता है जिसको कुछ भी चढ़ा दो तो आप खा सकते हैं, पा सकते हैं। पर नर्मदेश्वर महादेव के अलावा अगर शंकर को कोई वस्तु चढ़ी है तो उसका भोग सांसारिक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, उसका भोग सांसारिक मनुष्य ना करे। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र तो कहते हैं, अगर शंकर जी का यदि आपने अभिषेक किया है, शंकर का यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही शहद चढ़ा रहे हैं, तो वो भी अगर पंचामृत के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उसको भी नहीं पीना। नर्मदेश्वर महादेव का हो तो पी सकते हो, नर्मदा जी के जल में से अगर शंकर जी निकले हैं तो उसमें से पी सकते हो। बाकी के जितना भी भाग होता है
वो सारा भाग भगवान शंकर की बहन को प्राप्त होता है। शंकर जी की एक ही बहन है, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम है छी प्रिया। क्या नाम है? जम के बोलिए, छी प्रिया। जम के बोलो, छी प्रिया। शिव जी की एक ही बहन है जिसको लोगों ने अभ्यंग कर कर छी प्रिया का नाम हटाकर उसको छिपरा कर दिया। क्या नाम कर दिया? छिपरा। शिव जी की एक ही बहन है, इसलिए पूरी भारत की भूमि में सबसे बड़ी राखी महाकालेश्वर भगवान को बनती है छिपरा जी की ओर से। सबसे बड़ी राखी, किसी शिवलिंग पर राखी नहीं बनती, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल एक ज्योतिर्लिंग वो है महाकालेश्वर, जिन पर सबसे बड़ी राखी का निर्माण कर भगवान शंकर को बांधा जाता है छिपरा की ओर से, छिपरिया की ओर से। तो बाकी के जितने भी शिवलिंग होते हैं सारे शिवलिंगों का भाग भगवान शंकर की बहन को प्राप्त होता है। केवल एक शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव से होते हैं जिनका भाग सांसारिक मनुष्य ग्रहण कर सकता है। महाराज, भगवान शिव का आनंद सुख भगवान शंकर के चरणारविंद का स्मरण, ये उसी में का है जैसे 12 ज्योति 12 शिवरात्रि होती है। कितनी शिवरात्रि होती है? 12। हर महीने एक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पर एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करें। बेलपत्री चढ़ाना तो आपको आता होगा, सबको आता है बेलपत्री चढ़ाना। तो बेलपत्री का भी नियम है, ये शिवलिंग है, ये बेलपत्र है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दें कि बेलपत्र जब भी चढ़ाई जाती है तो बेलपत्र की डंडी आप जहां बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? जम के बोलिए, बेलपत्री की डंडी आप जहां बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा पर हो बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाकर जाने के बाद में एक बेलपत्र शंकर के ऊपर से उठा लीजिए और उस बेलपत्र को नंदी के पास रखते हुए अपने मन की कामना नंदी के कानों में कहकर बेलपत्र समर्पित कर जाइए। आपके मन की कामना नंदीश्वर पूरी कर दे। कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ा देते हैं पर नंदी पर बेलपत्र नहीं चढ़ाते, नंदी के वहां से निकल कर चले जाते। पर शास्त्र की रीति कहती है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के बाद में एक बेलपत्र नंदी के एक नंदी का पांव ऊपर की ओर है। आपने देखा होगा नंदी के दो पांव आगे के जो हैं उसमें से एक पांव ऊंचा रहता है एक पांव नीचे रहता है, तो जो ऊंचा पांव है उस पांव के पास में बेलपत्र को समर्पित कर अपने मनमांचित फल की कामना कर आप नंदीश्वर को कहकर। और ध्यान दें, अगर किसी व्यक्ति के नयनों में तकलीफ है, नेत्र विकार, नयनों से चश्मे की मात्रा बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर चढ़ता जा रहा है, बच्चों को भी चश्मा लग रहा है, चश्मे को उतारने का सबसे सुंदर तरीका नयनों का मारा। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाइए और शंकर जी के शिवलिंग को जाकर उसको चिपका दीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में उसको चिपकाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर या लिंगायत अष्टक को पढ़कर, एक लिंगायत अष्टक आता है आप लोग पढ़े होंगे, ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणे मामि सदा शिवलिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम कामदह करुणासंत लिंगम, रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणे मामि सदा शिवलिंगम, ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम
जल भासित शोभित जन्म जातोक विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुभाषित निर्मल भासित। भगवान शंकर का या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या लिंगायत अष्टक को पढ़कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा दें, एक लिंगायत अष्टक का पाठ कर लें और उस बेलपत्र को निकाल लें, उसका शहद निकालकर सीसी में रखते जाएं, 12 महीने सीसी में उसको जमा करते जाएं। उस शहद को जिस दिन शिवरात्रि से आप लगाएं उसी दिन से नैनों में उसको काजल जैसा शहद लगाना चालू कर लें। एक शिवरात्रि पर करेंगे, दूसरे शिवरात्रि तक नैनों का जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो नीचे गिरता चले जाएगा। अगली शिवरात्रि पर फिर लगाएं, फिर नंबर नीचे गिरते चले जाएगा। डॉक्टर से जाकर चेक कराएं, कुछ ही समय में चश्मा उतर जाएगा, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का। महाराज नेत्रों की ज्योति प्रबल हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है बेलपत्री की तीसरी पट्टी। कौन सा नेत्र है वो? तीसरा नेत्र। और ये नेत्र भगवान शंकर के, त्रिपुंडधारी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र को समर्पित।